Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Nerdy Brains. So today we are going to take the chapter Molecular Basis of Inheritance, and in that we'll be taking the topic the history of DNA and also structure of the DNA. So let's not waste any more time and get started. If we talk about the history of DNA, तो history of DNA में DNA को किसने found out किया, वो कौन थे? वो थे हमारे scientist Frederick Mischer ने DNA को 1869 में found out किया, but उन्होंने DNA नाम नहीं दिया उसको, उन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लिन. उसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन. उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया उसको, हम ये भी समझ लेते हैं. बेसिकली इन्होंने वाइट ब्लड सेल से उसका पता लगाया. जो हमारी ओल्ड बैंडेजेस होती हैं, जो हॉस्पिटल्स में लाइक हमें कहीं चोट लगती है तो हमें बैंडेजेस, जो हमारी वेस्ट आउट बैंडेजेस होती हैं, उनमें हमारा ब्लड, उसमें हमारे पास चोट से जो हमारे निकलता है वो सब लग जाता है. तो उस पस से उन्होंने उन वाइट ब्लड सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उन वाइट ब्लड सेल्स से उन्होंने एक सब्सटेंस का पता लगाया और उन्होंने कहा कि कोई एक सब्सटेंस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, लाइक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल होता है. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने उन वाइट ब्लड सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया पस सेल से, जो हमारी बैंडेजेस होती हैं उसमें से, पस में से वाइट ब्लड सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उसमें उन्होंने अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला. उन्होंने क्या डाला? अल्कलाइन सॉल्यूशन, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला, जिसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो डिकम्पोज हो गए. फाइन, जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो डिकम्पोज हो गए और उनके डिकम्पोजिशन की वजह से उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उनके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, वो उसमें से बाहर आ गया और उस सॉल्यूशन में आ गया जो अल्कलाइन सॉल्यूशन था उसमें. अब उस न्यूक्लियाई में से उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया? आइसोलेट किया एक सब्सटेंस जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन. वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि उन्होंने एक सब्सटेंस आइसोलेट किया जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, लेकिन उन्होंने उसको डीएनए नहीं बोला, न्यूक्लिन बोला. ठीक है, अब फर्दर आगे इस पर स्टडी हुई और इन्हीं के स्टूडेंट एक थे जिनका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन. इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन और इस स्टूडेंट ने उस सब्सटेंस का, जो न्यूक्लिन उन्होंने फाइंड आउट किया था, उस सब्सटेंस के बारे में पता लगाया कि उसका नेचर क्या है. तो उसने क्या पता लगाया कि न्यूक्लिन जो है वो एक एसिडिक, वो बेसिकली एसिडिक है इन नेचर. न्यूक्लिन इज एसिडिक इन नेचर. तो उन्होंने, रिचर्ड ऑल्टमैन ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा कि हम इसका नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड भी कर सकते हैं. तो उसने क्या किया, उसने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा. तो इस तरीके से हमें हमारा न्यूक्लिक एसिड मिला. अब हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. फाइन, अब ये जो डीएनए है ये ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर स्पीशीज़ में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो डीएनए होता है, बट कुछ स्पीशीज़ जैसे कि वायरसेस, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा आरएनए होता है. और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है. आरएनए जो है वो भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज डबल स्टैंडर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड. फाइन, सो दिस वॉज रिलेटेड टू द हिस्ट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए को। सो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब चेन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, फाइन। और ये लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये टेबल बनाई है ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी होगी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए होता है उसकी लेंथ स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करती है। लाइक इन ह्यूमंस द लेंथ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर एंड दिस लेंथ इज ओनली फॉर अ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल विच मीन्स लाइक गैमीट्स। ओके, नाउ इफ इट्स अ डिप्लॉइड सेल देन द लेंथ विल गेट डबल, फाइन। सिमिलरली इन बैक्टीरिया ईकोलाई डबल स्टैंडर्ड डी एन ए इज प्रेजेंट एंड 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर विल बी द लेंथ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डी एन ए। नाउ इफ यू लुक एट द लेमडा फेज देन डबल स्टैंडर्ड डी एन ए 48502 बेस पेयर लेंथ ऑफ द डी एन ए। इफ यू लुक एट हेयर दिस इज द 5 × 174 फेज, यहाँ पर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए इज प्रेजेंट एंड 5386 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर प्रेजेंट। नाउ वॉट डू यू मीन बाय दिस न्यूक्लियोटाइड? वेन एवर वी टॉक अबाउट डी एन ए देर आर टू वर्ड्स विच वी कम अक्रॉस। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और दूसरा हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है, फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। व्हेन ऑल दीज थ्री कम टुगेदर इट मेक अ न्यूक्लियोटाइड, बट व्हेन ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कम टुगेदर देयर इज नो फॉस्फेट इन दैट, ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कम टुगेदर then that is called as a nucleoside, we'll be calling that as a nucleoside. Okay, ab hum pad lete hain what is a deoxyribonucleotide. Okay, what makes up a deoxyribonucleotide? So yahan pe maine ek chart ke jaise banaya hua hai. So ek deoxyribonucleotide mein teen cheeze hoti hain jo ki usko एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। पहली चीज़ होती है फॉस्फोरिक एसिड, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फाइन। अब फॉस्फोरिक एसिड जो है बेसिकली यू नो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, फाइन। H3PO4 ये हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में। देन कम्स दी डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है शुगर का। अब यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पेंटोज शुगर है। फाइन, दिस इज अ पेंटोज शुगर। अब ये जो यहाँ वर्ड लिखा है डीऑक्सी, व्हाट डू यू मीन बाय अ डीऑक्सी? आपको राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर हम राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं तो राइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पे, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड देन दिस विल बी द फिफ्थ वन, फाइन। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे हमेशा राइबोस पे OH प्रेजेंट होता है, मतलब सेकेंड कार्बन विल बी हैविंग एन OH ग्रुप इन द राइबोस शुगर। बट हेयर व्हाट यू कैन सी दैट एट द सेकेंड कार्बन H इज प्रेजेंट, फाइन, एट द सेकेंड कार्बन H इज प्रेजेंट। तो ये जो H है बिकॉज ऑफ दिस वी आर कॉलिंग इट डीऑक्सीराइबोस, because of the presence of H instead of OH. Okay, so this is deoxy
राइबोस एंड सो दिस इज डीऑक्सी राइबोस. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू नाइट्रोजनस बेसिस. सो अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन. तो हम इसमें इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसिस. फाइन एंड वील कम बैक टू दिस पेज अगेन. ओके सो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस बताए दिए हैं दो. तो पहला तो हम प्यूरीन्स देख लेते हैं. व्हाट आर प्यूरीन्स? प्यूरीन्स में क्या होती है ना, डबल रिंग होती है, ठीक है, और प्यूरीन्स में 9 मेंबर्स होते हैं. अब डबल रिंग मतलब देज आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है एंड ये जो है इनमें 9 मेंबर्स होते हैं. अब 9 मेंबर्स का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दो रिंग्स अटैच है. फाइन 9 मेंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फाइन सो दीज आर दी 9 मेंबर्स. फाइन अब डबल रिंग है ये भी देख लिया हमने, दो रिंग्स इनमें अटैच है, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग. फाइन अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है, इसे आप स्ट्रक्चर्स भी आसानी से याद रख पाओगे. तो पहली चीज मैंने क्या लिखी है, नाइट्रोजन का जो पोजिशन होती है वो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा. फाइन तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है. 1 पे प्रेजेंट है, राइट. 3 पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, राइट. 7 पे प्रेजेंट है, ओके. 9 पे प्रेजेंट है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरीन इज 1, 3, 7, 9. ओके सो ओनली एट दिस पोजिशन नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट. सो 1, 3, 7 एंड 9. अब प्यूरीन्स में दो बेसिस आते हैं, पहला है हमारा एडेनिन, पहला आता है हमारा एडेनाइन एंड दूसरा आता है ग्वानिन. फाइन एडेनिन एंड ग्वानिन, तो दोनों का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, बट आई विल बी अंडरस्टैंडिंग, आई विल बी लाइक मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू रिमेंबर इट. लेट्स मूव ऑन टू पायरिमिडीन. अब हम यहाँ पे देखते हैं पायरिमिडीन. ओके प्यूरीन्स के बारे में हमने देख लिया, पायरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग, ओनली 1 रिंग इज प्रेजेंट, यू कैन सी ओनली 1 रिंग हियर. फाइन सो ओनली 1 रिंग इज प्रेजेंट एंड प्यूरीन्स में डबल रिंग था, बट पायरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है. देन 6 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, 6 मेंबर्स आर देयर. फाइन 6 मेंबर्स आर देयर, यहाँ पे 9 मेंबर्स थे. 6 मेंबर्स कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फाइन सो 6 मेंबर रिंग इज देयर. देन पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरिमिडीन इज 1, यू कैन सी हियर 1 एंड 3, 1 एंड 3. And what is common between purine and pyrimidine? That 1 and 3 nitrogen is present. You just have to remember that purines have 2 extra nitrogen, that is at the position of 7 and 9. And pyrimidine have the nitrogen at the position of 1 and 3. So 1 and 3 is common. Like 1 and 3 will be common ki wahan pe nitrogen present hogi hogi. But 7 and 9 is extra in purine. Like 7 and 9 pe bhi position, like 7 9 position pe bhi nitrogen present hogi in purines. Fine. Ab purine, pyrimidine mein 3 bases aate hain. Thymine, cytosine and
यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक हम ये ले लेते हैं कि आप कैसे इसको वो करोगे, समझाओगे, आप कैसे इसको याद कर सकते हो, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पर आपको मिल रही है एरोमेटिक रिंग। ओके, ये जो रिंग है यहाँ पर, जो सिंगल रिंग है, दिस इज एन एरोमेटिक रिंग। अब मॉलिक्यूलर हम ये देख लेते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे, कि हमें स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब के। एक चीज़ और, यूरासिल इज ऑल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, ओनली प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। लाइक इन डीएनए इट विल बी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, आरएनए इट विल बी एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। नो थायमिन विल बी देयर, इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल विल बी देयर। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। ओके, सो अगर हम एडेनिन की बात करें, एंड गुआनिन, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन्स, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है स्ट्रक्चर में, प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 1, 3, 7 and 9th पोजिशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये पॉइंट बना लेंगे अपना, वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, वी आर गोइंग टू राइट डाउन द नाइट्रोजन फर्स्ट, फाइन। सो लेट्स टेक इट, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो 1 पर 9 होगा, सॉरी नाइट्रोजन होगा, 3 पर नाइट्रोजन होगा, देन 7 पर नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब जब हम एडेनिन की बात करेंगे, एडेनिन पर 6th पोजीशन पर हमारा अमीनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एडेनिन में 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होगा। सिमिलरली अगर हम गुआनिन के लिए बनाएं, तो गुआनिन में भी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम नॉर्मल अपना, ठीक है, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर N होगा, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे N होगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फाइन। अब एडेनिन पे 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप था, फाइन, लेकिन गुआनिन में क्या है, 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा एंड 6th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप होगा। मतलब 2nd पर अमीनो होगा, फाइन, एंड 6th पर ऑक्सो ग्रुप होगा। ओके, तो आप इस तरीके से, पहले तो हमें स्ट्रक्चर बना लेना है, नाइट्रोजन की पोजीशंस अरेंज कर देनी है, उसके बाद इतना याद रखना है कि एडेनिन में एक अमीनो ग्रुप होता है 6th पोजीशन पे, गुआनिन में एक अमीनो ग्रुप होता है 2nd पोजीशन पे एंड एक ऑक्सो ग्रुप होता है 6th पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा आता है हमारा पायरिमिडीन, फाइन। इसमें हम पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, कैसा स्ट्रक्चर होता है,
एरोमेटिक रिंग। पोजीशन क्या क्या होती है अगर हम यहाँ से लें, 4, 5 एंड 6 यहाँ से लें, तो 1 पे आएगा नाइट्रोजन और 3rd पे आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि पाइरिमिडीन में 1 एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो 1 एंड 3। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले हम यूरैसिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूरैसिल के स्ट्रक्चर में 2nd एंड 4th कार्बन पे ऑक्सो ग्रुप होगा, ठीक है, 2nd एंड 4th पे ऑक्सो ग्रुप होगा, ये है हमारा यूरैसिल। अब थायमीन में हम इसमें और यूरैसिल में थायमीन में और यूरैसिल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा यूरैसिल बन गया, ठीक है, दिस इज अ यूरैसिल। थायमीन में जस्ट यहां पर अपोजिट टू दिस ऑक्सो ग्रुप देयर विल बी अ मिथाइल ग्रुप। फाइन, तो सिंपली यूरैसिल में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, सो दिस विल डिफरेंशिएट बिटवीन थायमिन एंड यूरैसिल। फाइन, अब हम बात करते हैं साइटोसिन में। साइटोसिन पहले तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेना है, नाइट्रोजन की पोजीशंस अलॉट कर देनी है, अब ऑलवेज रिमेंबर कीटो ऑक्सो ग्रुप इज ऑलवेज सेम इन पाइरिमिडीन, लाइक 1 ऑक्सो ग्रुप विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द 2nd पोजिशन। फाइन, जस्ट चेंज होगा यहाँ पे, आइदर यहाँ पे, तो साइटोसिन में 4th पोजिशन पर हमें अमीनो ग्रुप मिलता है, ठीक है, तो 2nd पोजिशन पे ऑक्सो ग्रुप एंड 4th पोजिशन पे अमीनो ग्रुप। फाइन, सो ये हो गया हमारा साइटोसिन। अब एक चीज आप नोट करो कि साइटोसिन एंड गुआनिन का स्ट्रक्चर सिंपली, इतना अगर आप देखो, सिंपली रिवर्स है, राइट, गुआनिन में 2nd पोजीशन पे अमीनो था, यहाँ पर 4th पोजीशन पे अमीनो है, यहाँ पे 6th पोजीशन पे आपके पास ये था, यहाँ पर ये यहाँ पर है, लाइक ऑक्सो ग्रुप यहाँ पे था, इसका ऑक्सो ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जस्ट साइटोसिन इज रिवर्स ऑफ गुआनिन। तो अगर आपको गुआनिन का स्ट्रक्चर आ गया तो आप साइटोसिन का जस्ट उल्टा करके बना सकते हो कि आपको सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करनी है एंड दैट विल बिकम अ साइटोसिन एक्सेप्ट दिस रिंग, बिकॉज साइटोसिन इज अ एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हाउ विल यू लाइक, दिस इज द मेथड यू कैन रिमेंबर ऑल दी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। अब हम वापस चलते हैं अपने इस पेज पे। तो अब यहाँ पे आप देखो, मैंने कुछ बॉन्ड्स एंड लिंकेजेस के बारे में लिखा हुआ है, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए दे हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर, फाइन, सो फॉर दैट कनेक्शन there are some linkages which occur between them, fine, so when a phosphate bind to deoxyribose sugar, that is a phosphodiester linkage, like phosphate bind to a deoxyribose sugar, that linkage is called as a phosphodiester linkage, and when a nitrogenous base like join together with a pentose sugar, इट बाइंड बाय थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये दो लिंकेज के बारे में अब हम डिटेल में समझ लेते हैं कि वॉट आर दीज। ओके,
सो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप एक डी ऑक्सी राइबोज शुगर से अटैच होता है। अब वो कैसे अटैच होगा उसके लिए हम पहले शुगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ कार्बन आएगा, यहाँ पे इसका OH आएगा, फाइन। तो कनेक्शन कैसे होगा इन दोनों के बीच में? इसका OH और इसका H मिलके वाटर के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगे और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां से ये वाटर के फॉर्म में रिलीज आउट हो गया तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। ये हम यहाँ पे अपनी शुगर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, फाइन। तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब ये जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है ये है इनका कनेक्शन बिटवीन दी फॉस्फेट एंड दी डीऑक्सी राइबोस शुगर। इस लिंकेज को हम फॉस्फोएस्टर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है। अब दूसरी बात आती है कि हमारा जो है, हमारा जो बेस है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक प्यूरीन प्रेजेंट है, तो प्यूरीन पे फर्स्ट पोजीशन पे N प्रेजेंट होता है, तो इसके पास यहाँ पे NH प्रेजेंट होगा और हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे भी यहाँ OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि बेस और शुगर भी आपस में अटैच होते हैं, तो इनका भी अटैचमेंट इसी तरीके से होगा कि यहाँ पे यहाँ से भी H2O रिलीज होगा और इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, फाइन। जब यहाँ से भी वाटर रिलीज आउट हो जाएगा और बेस और शुगर आपस में अटैच हो जाएंगे तो इस लिंकेज को भी हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे बना हमारा ये, दिस इज द बेस अटैचिंग टू द डीऑक्सी राइबोस शुगर, फाइन। सो मैंने बोला था कि फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनता है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था तो उसमें मैंने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बताया था, बट यहाँ पे हमने सिर्फ फॉस्फोएस्टर की बात करी है, तो एक और बॉन्ड होना चाहिए, राइट। अब वो बॉन्ड कहाँ से बनेगा? मैंने बोला था कि डीएनए जो है एक पॉलीमर है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी अटैच होगा, फाइन। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी अटैच है। वो कैसे अटैचमेंट हो रही है? वो इस तरीके से हो रही है कि एक डीऑक्सी राइबोज शुगर के थर्ड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी एक और कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है,
अब जब यहाँ पर एक और कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और वाटर बाहर आ जाएगा, तो इनके बीच में भी अगर हम देखें यहाँ से एक यहाँ पे भी एक हमारा बॉन्ड बनेगा जिसे कहेंगे फॉस्फोएस्टर। तो ये भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और यहां पे भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो एक बन रहा है न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड में when one nucleotide is combining to the other nucleotide and एक बन रहा है when phosphate attaches to the deoxyribose sugar में। तो ये दो यहाँ से ester bond बन रहे हैं। इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं ये है फॉस्फो डाई एस्टर। फाइन, इन दोनों को हम मिला के कह सकते हैं कि ये है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फाइन, अब तो हमने एक चीज पढ़ी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में, एंड फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में दोबारा से, लेकिन ये जो दूसरा फॉस्फेट है ये हमारे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का है उसके बीच में। फाइन, सो कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। दूसरा बॉन्ड हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ जिसमें हमारा बेस एंड शुगर अटैच हुआ। ठीक है, तो ये हम सेकेंड मान लेते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और इसी तरीके से सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और एक चेन फॉर्म होती जाएगी। फाइन, एक चीज और आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जब हम शुगर की नंबरिंग करते हैं तो वी डोंट राइट 1, 2, 3, 4, 5, वी राइट 1', 2', 3', 4', 5'। वाई वी डू सो, बिकॉज जो हमारा बेस है, अब बेस जैसे प्यूरिन ले लें हम यहाँ पर, या पायरिमिडीन ही ले लें, दिस इज अ पायरिमिडीन। तो अगर हम पायरिमिडीन लें तो पायरिमिडीन में जब हम नंबरिंग करते हैं उसके कार्बन या नाइट्रोजन बेसिस लाइक पॉइंट्स की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हैं। फाइन, तो अगर हम शुगर की भी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। दैट इज वाई वेन एवर वी नंबर अ डीऑक्सी राइबोज शुगर और अ राइबोज शुगर इन आरएनए, देन वी नंबर इट लाइक 1', 2', 3', 4', एंड 5'। एंड दिस prime numbers, these priming of the number here only provide you the polarity of the DNA. Like when we say that DNA runs from 5' to 3' direction, we are simply suggesting that the 5' end of the sugar molecule is free. That is why we are saying that 5' end, and the 3' end of the sugar molecule is free. That is why we are saying the 3' end. सो शुगर में नंबरिंग हमेशा 1', 2', 3' में होगी ताकि बेसिस के वजह से कन्फ्यूजन ना हो। एक पॉइंट मैं आपको छोटा सा और बता देती हूँ कि जब प्यूरीन की बॉन्डिंग पेंटोज शुगर से, जो हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर है उससे होती है, किसी भी प्यूरीन की बॉन्डिंग, तो उसकी बॉन्डिंग हमेशा शुगर के 1' एंड
प्यूरिन के 9th पोजिशन के नाइट्रोजन से होगी. फाइन, किसी भी लाइक प्यूरिन्स में हमारे पास आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, तो दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो 1' एंड इसका 9 पोजिशन का जो नाइट्रोजन है उससे होगी. दूसरी बॉन्डिंग होगी जब पिरिमिडीन ऐड होगा, लाइक जब पिरिमिडीन अटैच होगा पेंटोज शुगर से, तो शुगर का 1' एंड पिरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन, इसका फर्स्ट नाइट्रोजन विल गेट अटैच टू इट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 एंड अ थर्ड पॉइंट दैट फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इज 3'-5'. तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, एक रट्टा आपको मार लेना है कि जब भी पेंटोज शुगर अटैच होगी प्यूरिन से तो 1'-9' पोजिशन का जो नाइट्रोजन है उसमें बॉन्डिंग होगी. अगर पेंटोज शुगर पिरिमिडीन से अटैच हो रही है तो 1' और फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी. और जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो वो रन करेगा 3'-5', मतलब 3'-5'. फाइन, दिस इज द 5', दिस इज द 3'. तो दिस विल रन लाइक दैट. एंड सेकेंड चेन में, लाइक मैंने आपको बोला था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो एक चेन होगी दूसरी चेन होगी. फाइन, तो जो पहली चेन है उसमें 3'-5', दूसरी में 5'-3'. दैट इज वाई वी सेड इट कि हम इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, लेकिन हम ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे. सो या, आपको ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं एक किसी भी एग्जाम या उसके लिए. तो आप ये 3 पॉइंट एकदम ध्यान से दिमाग में रखना है आपको. सो या फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ आर वीडियोज़. थैंक यू सो मच. बाय बाय.